हुजूर की बेइज्जत अगर तो होती सिर्फ अरब के लिए तो गलबा दीन हक का मकसद पूरा हो जाता। जब अरब में हो गया गलबा तो गलबा दीन हक का मकसद पूरा हो गया, बेइज्जत नबवी का मकसद मुकम्मल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान मजीद ने जहां तीन दफा वो अल्फाज फरमाए हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह, वहां पांच मौके पर बताया कि मोहम्मद की बेइज्जत पूरी नौ इंसानी के लिए। सबसे नुमाया आयत सूरह सबा की आयत नंबर 28, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, ऐ मोहम्मद हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। सूरह आराफ में हुजूर से कहा गया 158वीं आयत है, قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا, कह दीजिए डंके की चोट है इंसानों मैं तुम सब की तरह भेजा गया। इसका नतीजा क्या निकला? मकसद बेइज्जत मोहम्मदी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कुल आलम इंसानियत पर वो दीन है गालिब ना आ जाए। जिसको इकबाल ने कहा वक्त फुर्सत है, कहां काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। देखिए खास नुक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं, आज नोट कीजिएगा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। पूरे कुरान में कहीं यह नहीं आया कि मैंने गलबा दीन हक को कामिल कर दिया। दीन कामिल हो गया मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामिल हो गया। गलबा दीन हक अभी कामिल नहीं हुआ, हुजूर के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाया अरब में हुआ, फिर आपके जानिसारों के जरिए से खुलफाए राशिदीन के जरिए से दरियाए जिहू से ऑक्सस से लेकर अटलांटिक तक हो गया, लेकिन पूरी दुनिया तक तो नहीं हुआ। लेकिन जान लीजिए होकर रहेगा। जो सूरा और कुबरा तो कुरान में आ गया, कैसे मुमकिन है कि बेइज्जत मोहम्मदी का मकसद पूरा ना हो और यह दुनिया खत्म हो जाए? मुमकिन नहीं। सूरा कुबरा कुरान में है, हुजूर का मकसद है बेशक गलबा दीन हक और आप भेजे गए पूरे आलम इंसानियत के लिए, तो तकमील तो उस वक्त होगी जब कुल आलम इंसानियत पर दीन हक गालिब हो जाए। और इसी की खबरें दी हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको यहां एक पैकेट दिया जाएगा, उसमें नवीद खिलाफत के नाम से एक किताब का चार वर्का है, उसमें वो हदीसें हमने जमा कर दी हैं जिसमें हुजूर ने वो पांच अदवार गिनाए। पहला दौर मेरा दौर नबूवत, फिर दौर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, फिर दौर जालिम मुलूकियत, फिर गुलामी वाली मुलूकियत, फिर एक और दौर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, फिर आपकी ये हदीस अल्लाह ने मुझे सारी जमीन दिखला दी लपेट कर सुकेड़ कर, मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब देख लिए, और सुन रखो मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो जमीन को सुकेड़ कर या लपेट कर मुझे दिखा दिए गए। वो हदीस कि इस जमीन पर ना कोई घर बचेगा ईंट और गारे का बना हुआ, ना कोई खेमा रहेगा जिसमें कलमा इस्लाम दाखिल ना हो जाए। ये गलबा दीन हक हो कर रहेगा। वो अहादीस हदीयतन आपको पेश की जा रही हैं, उन्हें हिर्ज़े जा बनाइए, उन्हें याद कीजिए, इसलिए कि मायूसी के घटाटो अंधेरों में हमारे लिए उम्मीद के चिराग हैं ये हदीसें। लेकिन जाहिर बात है जैसे हुजूर के बारे में इकबाल ने कहा और खूब कहा, आया ये कायनात का मानिए देर याब तू, निकले तेरी तलाश में काफला हाय रंगो बू। मकसूद तखलीक ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया ये कायनात का मानिए देर याब तू। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान ही थे, उनका जसद जो है अभी वो गारे और की शक्ल ही में था, उस वक्त भी नबी था। आया ये कायनात का मानिए देर याब तू, निकले तेरी तलाश में काफला हाय संगो बू। और हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आँच खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी। लेकिन ये कि समझ लीजिए कि दर हकीकत ये सारा सिलसिला नबूवत नबूवत मोहम्मदी की तमहीद था, इकमाल दीन इतमाम नूर हिदायत मोहम्मद पर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से जान लीजिए
کہ دوسری مرتبہ دین حق کا غلبہ اور کل روح ارضی پر، یہ بھی ایک طویل جد و جہد ہے، اس کا میں کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا دوں، عمر ہا در کعبہ و بت خالمی ناند حیات، تازہ بزم عشق یکدان آئے راز آیت بروں، سال ہا سال صدیوں تک زندگی حقیقی زندگی روحانی زندگی یہ دنیا کے اندر فریاد کرتی رہتی ہے، تب کہیں جا کر ایک راز جو ماہر اور واقف اسرار دروں ہے، تازہ بزم عشق یکدان آئے راز آیت بروں۔ لہذا یہ جان لیجئے وہ دور تکمیل مقصد بعثت محمدی کا دور آ کر رہے گا۔